नमस्कार जोहार, मैं अपराजिता पांडे और आप सबों का इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हजारीबाग के रेलगाड़ी परिसर में स्थित हूँ यहाँ पे, और कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। रेल सेवा विस्तार समिति हजारीबाग के द्वारा 5 मांगे रखी गई हैं, और ये 5 मांगे क्या क्या है, आइए यहाँ धरना प्रदर्शित करने वाले लोगों से ही जाने। फिलहाल तो यहाँ का नजारा आप तो देख सकते हैं कि काफी रोष है लोगों में, लेकिन काफी शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और ये 5 मांगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली मांग है, हजारीबाग रेलवे स्टेशन से परिचारन के लिए लंबी दूरी का रेल अविलंब चलवाई जाए। कोडरमा जंक्शन से भाया हजारीबाग टाउन बरकाकाना जंक्शन तक रेलवे लाइन को डबल किया जाए। तीसरी मांग है, रांची पटना लाइन हजारीबाग होते हुए रेल सेवा प्रतिदिन की जाए एवं जनरल बोगी के साथ अविलंब जोड़ा जाए। हजारीबाग रेलवे स्टेशन को महानगरों से जोड़ा जाए। साथ ही साथ 5वा और अंतिम मांग रेल सेवा विस्तार समिति हजारीबाग के द्वारा है कि विस्थापित किसानों को उचित मुआवजा, रोजगार, नौकरी की व्यवस्था दी जाए। अब यहाँ लोग देख सकते हैं काफी उम्मीद के साथ, और उम्मीद का बांध भी अब टूटता नजर आ रहा है। लोग यहाँ पे खड़े हैं, काफी मात्रा में लोग यहाँ पे खड़े हैं, और अब देख सकते हैं आप हर तरफ यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के ही लोगों से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ भावेश मिश्रा पे नजर पड़ी है, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है, क्या मामला है, ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मामला साधारण सा है। देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आज भी हमारे हम सभी हजारीबाग के नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी जो महत्वपूर्ण ज़मीनें थे, रेलवे के द्वारा अधिग्रहण किया गया 20 साल पहले, 8 साल पहले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यहाँ पर शिलान्यास किया था रेलवे का, तो हमारे नागरिकों ने और हम सबों ने एक सपना देखा था कि अब हम सभी देश के नागरिकों के साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे, अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे। और इसलिए जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, जो संभावनाएं हैं, एक मिनट, जो संभावनाएं हैं, जो जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था जब देश आज़ाद हुआ, तो आप जब देश की आज़ादी की बात करेंगे तो हजारीबाग की धरती भी अपने एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त झारखंड बिहार के पहले शहीद हजारीबाग से ही हुए हैं। हजारीबाग धरती को यह गौरव प्राप्त है, और हजारीबाग का जो जो सेंट्रल जेल है, जो आज जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के नाम से है, तो आज़ादी की लड़ाई में यह शहर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंग्रेजों का पसंद यह हुआ करता था, इसे लोगों ने झारखंड बिहार की ये शीतकालीन राजधानी के बाद जो सबसे ठंड प्रदेश था, यहाँ पर का आबोहवा इतना बेहतरीन, यहाँ की प्रकृति सुंदरताएँ, प्रकृति ने भी अपने हाथों को खोल करके इस शहर को सजाया है। इस शहर के बेहतरीन ज़मीनों को रेलवे ने अधिग्रहण किया, और हम सभी हजारीबाग के नागरिकों ने एक सपना देखा कि अब हमारी तरक्की और उन्नति होगी। लेकिन 8 साल लगभग हो गए हैं हजारीबाग में रेलवे स्टेशन बने, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ हमारी भूगर्भ संपदाओं का दोहन का साधन बन करके रह गया है मात्र यह रेल। यहाँ पर के नेताओं को सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ आता ही नहीं, और अब आश्वासनों का दौर खत्म हुआ। रेल सेवा विस्तार समिति यह आवाहन कर चुकी है कि अब हजारीबाग के नागरिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़के रहेंगे, और जो हमारा हक है वो लेंगे। हमारे नागरिक यह चाहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, कम से कम इतना तो जरूर चाहते हैं कि जब देश आज़ाद है और हम अपना स्वर्ण काल मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, हम अपने गणतंत्र का अभी अभी 74वां वर्षगांठ मनाए हैं, और 74वां वर्षगांठ मनाने के जब संविधान लागू हुआ देश में, तो 74 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार है, एक रेल यात्री होने का जो मौलिक अधिकार है, जो महानगरों के नागरिकों को मिलता है, जो राजधानी के नागरिकों को मिलता है, जो बड़े शहर के नागरिकों को मिलता है, वे हमारे हजारीबाग के नागरिकों को मिले और यहाँ से भी राजधानी चले। हमारा भी जिला देश के कोने कोने से जुड़े, देश के महानगरों से जुड़े, यहाँ पर व्यापार बढ़े, यहाँ का उन्नति हो, यहाँ पर रोजगार मिले, यही सब हम लोगों का महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण मांगे हैं। ये जो रेलवे ट्रैक है, महत्वपूर्ण जो हमारी मांगे हैं वो है हजारीबाग रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से मुंबई, यहाँ से मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हमारे नागरिक चाहें तो चल पाएं। और कोडरमा जो यहाँ अभी नया रेलवे जो जंक्शन बना है, जिससे हजारीबाग रेलवे से जुड़ पाया और यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, वह है कोडरमा हजारीबाग भाया बड़काकाना होते हुए झारखंड की राजधानी रांची, इसको डबल लेन किया जाए।
तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण मांग है, रांची पटना लाइन हजारीबाग होते हुए रेल सेवा प्रतिदिन की जाए। इसमें हम नागरिकों को चाहिए कि यहाँ इस रेलवे स्टेशन से रेल की सेवाएं जो है प्रतिदिन की जाए, जनरल बोगी के द्वारा भी और सुपर एक्सप्रेस के द्वारा भी और राजधानी भी यहाँ पर प्रत्येक दिन इसका ठहराव हो। चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण मांग है, हजारीबाग रेलवे स्टेशन को देश के सभी महानगरों से जोड़ दिया जाए। और पांचवा जो महत्वपूर्ण सबसे मांग है, जो जिनकी ज़मीनें यहाँ गई हैं, जो विस्थापित हुए हैं, जिस जमीन पर अभी हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं, जिन कभी यहाँ हरियाली हुआ करती थी, जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं, उनके रोजगार की, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था की जाए। इसीलिए हम लोगों ने यह सरकार को आज यह झारखंड सरकार को और भारत सरकार को रेलवे मंत्रालय को एक यह सांकेतिक है कि हम सबों को अगर अधिकार अगर नहीं मिले तो आज यह रेल चक्का जाम का आयोजन हम लोगों ने रेल सेवा विस्तार समिति के माध्यम से आह्वान किया था, लेकिन रेलवे ने और प्रशासन ने कहा कि अभी रेल चक्का आप लोग जाम नहीं कर सकते हैं। अतः हम लोगों को बोला गया, प्रशासनिक आदेश आए कि आप रेल हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के सामने में आ जाएं और शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करते हुए, क्योंकि हम सबों को पता है कि यह हमारा देश है, ये जो रेलवे की संपत्तियां हैं हमारी ही संपत्ति है, इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हम सभी नागरिकों की है और लोकतांत्रिक पद्धति से हम सभी यहां बैठे हुए हैं अपनी पांच महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अगला जो होगा वह हम सबों को पता है कि ये लोकतांत्रिक देश है और यह भारत हमारा ही देश है, हम यहां के सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बगैर उग्र आंदोलन करेंगे। और यह चेतावनी है कि हमारी मांगों को आज आप सबों के माध्यम से रेल मंत्रालय से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से और यहाँ झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगाह करना चाहते हैं कि हम लोगों की बातों को सुना जाए। अगर हमारी बातों को और हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तो जो होगा साम दाम दंड भेद भय, इस सारे जितने भी चल हम लोगों के जितनी भी शक्तियां होंगी हजारीबाग के नागरिकों को वो लेकर के और आपको परेशान जरूर करेंगे। जब तक हम परेशान रहेंगे तब तक आप लोग, तब तक हमारी परेशानी को जब तक आप समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और वह भी लोकतांत्रिक पद्धति से ही आंदोलन लगातार होते रहेंगे। रेल सेवा विस्तार समिति लगातार संघर्ष जारी रखेगी। धन्यवाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। देख रहे हैं आप यहाँ एक एक शख्स से बात करने पे उनके अंदर इतना ज्यादा रोष है इन चीजों को लेकर के और इतना ज्यादा संभावनाएं इन लोगों को अब नजर नहीं आ रही है कि लोग काफी रुष्ट हैं और आगे उग्र आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल और कुछ व्यक्तियों से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ? हम रेल सेवा विस्तार समिति के पुराने सदस्य हैं, मेरा नाम विपिन कुमार सिन्हा है। हम लोगों ने बहुत ही वर्षों से, करीब 5-6 वर्षों से एक तरह से लड़ाई लड़ा, चाहे धरने के माध्यम से या स्मारक पत्र देने में कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि अब बहुत ही जल्द आपकी इस हजारीबाग से लोकल ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेन चलेगा, लेकिन हम लोगों को निराशा ही हासिल हुआ। सिर्फ वही बड़का काना से, सॉरी कोडरमा से हजारीबाग भाया और बड़का, उसके बाद बड़का काना तक ट्रेन चल, लोकल ट्रेन चली, लेकिन एक बीच में एक पटना से रांची तक का चला जिसमें सिर्फ स्लीपर था, गरीब गुरबा आम जनता के लिए कोई भी ये नहीं रहा बैठने के लिए, कोई जनरल बोगी था नहीं। आज की जो है चीजें सुनेंगी सरकार? अगर नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में 15 दिन के बाद हम लोग जन जागरण अभियान के तहत झंडा चौक और एक धरना देंगे वहां पर जन जागरण के तहत, और आने वाले दिनों में ये रेलवे प्रशासन क्या पूरे हजारीबाग जिला प्रशासन हम लोगों को संभाल नहीं सकते। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी कोई व्यवसायी नहीं है, सारे मजदूर किसान छात्र नौजवान हम लोगों के आंदोलन से प्रेरित हुआ और कहा कि हम लोग साथ हैं आपका, क्यों यहाँ से जाने में दिल्ली जाता है रोज कमाने के लिए, कलकत्ता जाता है,
बेंगलोर जाता है, बहुत सा पेशेंट भी जाता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ से जाए रांची कोडरमा, उसके बाद रिजर्वेशन करवाए, आफ्टर दैट हम पहुँचेंगे, लेकिन समय मर जाता। और इस जाते जाते मेरे ख्याल से वो पेशेंट भी इस दुनिया से कूच कर जाता। इसके लिए हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया है, एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने जाएंगे, उसके बाद पूरे हजारीबाग को बंद कराने का एक निर्णय लेंगे, जो आखिरी में घोषणाएं होगी वो रूपरेखा तैयार की जाएगी आंदोलन का। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो देख सकते हैं आप, लोगों में काफी ज्यादा रोष है और लोग लगातार जी ये सारा चीज हम लोग दिए हुए हैं, ऐसा ऐसा 50 बैनर खबरें छपी हैं। हाँ, जो खबरें छपी हाँ। जो खबरें नहीं, हाँ, मैं समझ गई। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी कुछ दर्शकों का ये भी कहना है। राजेश मेहता कह रहे हैं हजारीबाग में रेल केवल कोयला ढुलाई के लिए लाया गया है। सही बात है। रोहित भी कुछ कमेंट कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि ये जो अखबार की टुकड़ियां हैं, देख सकते हैं अखबार की टुकड़ियां दिनांक के साथ प्रभात खबर में और कई जगहों में चली हैं, दिनांक के साथ 16/7/2019 को ये खबरें छपी हैं। और इस तरह से इन लोगों का कहना है कि 50-50 जो है बैनर्स बन सकते हैं, इस तरह के पोस्टर्स बन सकते हैं। यहाँ कई लोग बैनर्स लेके भी खड़े हैं। और यहाँ कुछ आप लोग भी जुड़े हुए हैं क्या? यहाँ कुछ युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग 2019 से जुड़े हुए हैं और हम लोग रेल सेवा विस्तार समिति से मतलब शुरू से हर मीटिंग में हम लोग हर जगह सभी जगह पर आवेदन दिया। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि जनवरी में ट्रेन चलेगी लंबी दूरी के लिए, तो अब तक अभी तक नहीं चली हुई है। हम लोग रेल सेवा विस्तार समिति के द्वारा हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और हम लोग को इसके बावजूद भी हम लोग को ट्रेन नहीं दी जाएगी, तो इससे और बेहतर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और आपने आने को राम ठीक है। तो यहाँ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि समिति से, रेल सेवा विस्तार समिति से कई लोग, ये लोग भी जुड़े हुए हैं। और ये लोग का भी कहना है कि अगर इन बातों को नहीं माना गया और सिर्फ आश्वासन का खेला खेला गया तो ये लोग आगे और पूरा आंदोलन करेंगे। ये पूरा आंदोलन का जो है ये चिट्ठा है, पिछले 5 साल से जो आंदोलन हम लोगों ने किए हैं उसके ये पेपर्स के कटिंग है जो हम लोगों ने 5 साल से आंदोलन। क्या कहना है आपका इसमें? मैं यहाँ का कूद का निवासी हूँ। मैं यहाँ 8 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो भी नेता आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो भी प्रशासनिक तरफ से जो भी मिल रहा है, बस आश्वासन ही मिल रहा है, कार्य नहीं दिख रहा है। कार्य दिखता तो शायद कूद के निवासी यहाँ पे जमा इकट्ठा नहीं होते, ये आप भी जानते हैं, नहीं होते। लेकिन देख रहे हैं दिन ब दिन, साल ब साल, महीने महीने महीने, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, बस वक्त जा रहा है और साली गुजर रही है, कोयला ही धोखा जा रहा है और कुछ नहीं बस। तो आप लोग आगे के आंदोलन जो ये लोग करने वाले हैं उसमें भी सपोर्ट में? जी हाँ, आगे का उग्र आंदोलन होगा सपोर्ट में। क्या परेशानियां होती है भैया ये बताइए, बैनर पकड़ाइए किसी और। इतिहास हम दिखाते हैं आपको, दो देखिए काफी है, नहीं है ना, काफी नहीं रहे, थोड़ा यही होता। आपको धन्यवाद करता हूँ मैम कि हमारे जो भी है बातें है सो हर कोना में भेज दीजिए, है ना, हर कोना में, हर देश को जानना चाहिए कि 2020 में यहाँ, हाँ 2020 में यहाँ पे है शिलान्यास हुआ, यहाँ का जनता को आश्वासन दिया गया, हर चीज की सुविधा मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जितने भी है हमारे, यहाँ हमारी माँ बहने या दादी दादा जो भी है खेती करके, तो छुपना खेती करके हम लोग का गुजर बसर चल रहा था, आज हम लोग के पास सब चला गया। हम लोग उसमें भी पहले से ही दुख थे, मगर अब हम लोग को पता चला कि रेलवे है सो जुटेगी तो कुछ यहाँ पे लाभ होगा, मगर वो कोई चीज का आश्वासन नहीं मिला। सिर्फ दिन साल बढ़ते जा रहा है, आश्वासन जाते जा रहा है। मैम आपका यही धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत मूल्य सामान यहाँ पे टाइम दिए हैं। और यह जो दर्शक है यहाँ पे, जी मेरा नाम तो लगातार जो है हमारे दर्शक देख रहे हैं आप सभी को, और ये लोगों की
जो तकलीफें हैं इन लोगों के हाथों के कपकपाहट में, होठों के कपकपाहट में साफ नजर आ रही है, आंखों में जो नमी है वो साफ दिख रही है। अंशु कुमार कुछ कमेंट कर रहे हैं, ये आंदोलन जरूर पूरा होना चाहिए, अगर नहीं हो ये सरकार का बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि अंशु कुमार जो है वो भी साथ में, यहाँ पे कुछ लोग और यहाँ पे, और खास करके महिलाएं जो है यहाँ पे साथ में है, अब काफी महिलाएं यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं। और क्या परेशानियां इन लोगों को है, क्या कुछ मांगे ये लोग लेकर के आई है, ये इन लोगों से ही जानते हैं। इसको पड़ी आई है कि यहाँ का आदमी सब बिना रोजगारी के हो गए हैं, अगर एक कप चाय बेचते हैं तो सब पुलिस लोग ऐसे सब धकेल देते हैं, तो बिना रोजगारी के रोड में हम लोग खड़ा रहते हैं, चलते हैं यति के काम करने। हाँ, यहाँ का ठेलवे माने ठेला बेचते हैं ठेला पर चाय पानी, तो सब पुलिस लोग सब धकेल देता है, बीग बाग देता है, तो हम लोग क्या करें। अगर दूसरा आदमी यहाँ से कमा जा रहा है और मेरा, हम लोग भूख मर रहे हैं, डौरा लग रहा है गाँव का आदमी और दूसरा गांव के कमा जा रहा है, चून बिच के लेगो ये खा के मार पीट कर रहा है, वो तो नहीं दियो तेरे कोयला काठी तरी लेगो ये ओकरो ने हाथ भगा देता, पुलिस मारल दौड़ते हैं। हां, पुलिस मारल दौड़ता है, कुछ नहीं दिया गया है, हम कुछ नहीं, हां कुछ नहीं, अभी कल के लेने लग रहे तो मौजा नहीं दिया गया है, तो हम इन का करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएगी, चलो खर्चा कोयला भी ले लेता है आदमी के, छीन थोड़ा मोटा लेता है तो छीन भी लेता है, मार पीट भी करता है। हम लोग रोजी रोटी क्या है, हम लोग को रोजगार चाहिए, तो चून बीच के ना लेके चाहिए। हाँ, गरीब जी क्या खेत पानी सब लेके गया। हाँ जरूर, यहाँ थोड़ा सा मैं बात कर रही हूँ, एक महिला और जुड़ी हुई है, मैं पकड़ी हुई हूँ, आप बोलिए क्या कहना चाहती है मैडम। हाँ बोला था मैडम, देखिए रेलवे को बहुत भरोसे के साथ यहाँ लाया गया था और उस भरोसे पे एक भी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, ना रेलवे और ना हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि। उन लोगों के निवेदन पे यहाँ के लोगों ने जमीनें, अपनी कीमती जमीनें दिया, अब जमीन भी ले लिए और रोजगार भी गया। बाहरी लोग मान लीजिए कि अगर रेलवे स्टेशन के सामने ये लोग चाय का ठेला लगाते हैं या कुछ अपना छोटा मोटा जीवन यापन के लिए लगाती है, उसको भी इन लोग हटाते हैं। अब बताइए कि कितना विडंबना है कि हमारे यहाँ का कोयला से विदेश रोशन हो रहा है और हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, ये क्या है। मतलब ये हमारे अंधभक्ति का फायदा उठा ही रहे ना, हम लोग जो बिना मांगे उनको वोट करते हैं, बिना मांगे हम हमारे भोले भाले जनता उनको वोट करते आ रही हैं, और परिणाम में ये अगर आप देंगे तो फिर हम लोग के पास ये धरना के अलावा नहीं उठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत कीमती जमीन हम लोग दिए हैं मैडम, आज का जमीन, ये जो हमारे पास अगर एक कट्ठा जमीन रहता तो आज का वैल्यूएशन 20 लाख रुपए है, और इनको क्या दिए आप, 20,000 भी नहीं दिए हैं, 1600 रुपए करके डिसमिल करके इनकी जमीनें ली गई थी उस टाइम, और आज अगर ये जमीन रहता इनके पास तो कुछ भी नहीं, तो इनके बच्चे उससे खेती करके तो जीवन यापन कर सकते थे ना। इन लोगों का लॉलीपॉप जो 2022 से ये बोले जा रहे हैं कि दिसंबर में यहाँ से रांची जोड़ा जाएगा, हम लोग चलिए भरोसा किए कि इस बार दिसंबर में जुड़ जाएगा, तो रेल सेवा विस्तार समिति हमारी लगातार धरना पे है, लगातार हम लोग एक्टिविटी है हम इस समिति का, तो हो सकता है आगे वाला में हम लोग बड़े बड़े महानगरों से हम लोग जोड़ने का निवेदन करेंगे, लेकिन ये यहाँ से रांची जोड़ने में 22 साल लगा दिए। बताइए ये क्या है, मतलब इन लोगों को लगता है कि जनता बहुत बेवकूफ है कि जब जब इलेक्शन आएगा छोटा सा लॉलीपॉप दे दो, अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, ये क्या करेंगे कि यहाँ से रांची जोड़ देंगे और कहेंगे हमने तो रेल जोड़ दिया, अब हमको वोट चाहिए, अब फ्री का सारा वोट दे दो, क्योंकि 2024 में विधानसभा भी इलेक्शन है और लोकसभा भी इलेक्शन है, तो ये यही चाहते है कि यहाँ की जनता भोली भाली है, हम लोग इसको छोटा मोटा लॉलीपॉप देंगे या फिर धर्म जाति में लड़ा करके और हम लोग वोट ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब जनता जाग चुकी है, हम लोग 5 साल का आपका लेखा जोखा देखेंगे, और सिर्फ ये उद्घाटन करने के लिए हम लोग विधायक और सांसद को नहीं बनाते हैं कि आप सिर्फ उद्घाटन करते जाइए, आज ये स्टॉल का, परसों वो स्टॉल का, कल वो दुकान का, तो ये उद्घाटन से काम अब नहीं चलेगा, आपका काम नीति और नियम बनाना है विधानसभा में लोकसभा में, अगर हम लोग देखें कि 5 साल में क्या हमारे लिए नीति और नियम बने हैं हमारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए जो हम लोगों ने लगातार इस बैनर के तहत जो हम लोग डिमांड रखे हैं, अगर आप वो पूरा नहीं कर पाए तो साहब आप फेल हैं, हमें माफ करिएगा, हम लोग भोली भाली बन के आपको वोट नहीं कर सकते हैं। मैडम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, सर आपसे भी बात करेंगे। यहाँ पे महिलाओं में काफी ज्यादा रोष है क्योंकि घर उनको संभालना पड़ता है, चीजें उनको संभालनी पड़ती है, यहाँ की महिलाओं का कहना बिल्कुल साफ और सटीक तौर पर
पे है कि अब ये अंधविश्वास का जो खेल है, ये जो आश्वासन का खेल है, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की जो जमीन यहाँ के लोगों को गई है, उनको सही से ना मुआवजा मिला है, ना उनको नौकरी चाकरी मिल पा रही है। ठेले वाले लोगों की क्या हालत है, यहाँ की महिलाओं से आप खुद बखुद ही सुन चुके हैं, या कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं सर, ये बताइए। मैडम, ये तो इस आंदोलन के माध्यम से लगभग लोगों का मांग तो पता चल ही गया कि लोगों का क्या मांग है, फिर भी हम बताना चाह रहे हैं कि 2000 से जब से हम लोग की ज़मीन यहाँ ली गई, बार बार हम लोग, उस समय भी हम लोग ज़मीन देने की पक्ष में सरकार को नहीं थे, क्योंकि ये मेरी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन सरकार का इतना प्रेशर, इतना दबाव था, यहाँ के लोगों पर लाठीचार्ज, जेल भेजना, ये सब प्रशासन के द्वारा की गई। यहाँ के लोग भोले भाले सीधे साधे हैं, बहुत प्रयास किए, प्रशासन के सामने नहीं सके, लास्ट में अपने आप को सिलेंडर कर दिए, लेकिन उसमें भी यहाँ के लोगों को उसी का नाजायज फायदा उठा के प्रशासन के द्वारा मात्र यहाँ की भूमि को 16,000 रुपये कट्ठा के तौर पे रेट तय की गई। हम लोगों के द्वारा काफ़ी लड़ाई किया गया, गांव के द्वारा संघर्ष समिति बनाया गया, संघर्ष समिति के द्वारा काफ़ी लड़ाई की गई, यहाँ के लोगों को प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया, लोगों में फूट डाली गई, फूट डाल के लोगों को यहाँ की राशि उठाने में मैथिक किया गया, ताकि यहाँ की जो संगठन बना है वो संगठन को कैसे हम तोड़ें, क्योंकि सरकार का ये पहला रवैया है कि जहाँ जहाँ संगठन बनता है तो पहले उस संगठन को तोड़ने का प्रयास करता है। वह एकदम वही चीज़ है, फूट डालो शासन करने वाला सरकार ने रवैया अपनाया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ाए थे, लेकिन हमारे गांव के में लोगों को इच्छा शक्ति मजबूत थी, हम लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा, एकता में बल है, और हम लोगों ने लगातार केस लड़ा, केस लड़ने के बाद हम लोगों को कुछ राशि प्राप्त हुआ, लेकिन आज भी हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, आज भी हम लोग को भुगतान नहीं हुआ है। आज यहाँ लोगों के घर में किसी के यहाँ ना खाना का ठिकाना है, लड़की की शादी कैसे करे, क्योंकि जो जमीन था हमारे पास तो अपनी बेटी बहू जो भी घर चलाने के लिए जमीन वगैरह को बेचते थे, बार बीमारी होता था तो बेचते थे, लेकिन वो भी सब चला गया। जो पेमेंट ठिकाने का था, आज तक पेमेंट यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है। यहाँ रोजगार के एक अवसर के लोगों को आशा था कि चलो रोजगार मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि रोजगार भी यहाँ आज तक नहीं हुआ, 22 साल हो गया, कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया, कि खाली ठगी का करने का काम किया गया सरकार के द्वारा। हर बार नया नया आश्वासन मिलता है, लेकिन जैसे समय आता है लोग सो जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाली, अब देखिएगा कि ठीक नजदीक आएगा, उससे पहले एक लॉलीपॉप महानगरों के लिए ट्रेन दे दिया जाएगा, कुछ दिन बाद जैसे चुनाव खत्म होगा वो भी ट्रेन बंद हो जाएगी। इससे पहले आपको एक याद कराना चाहता हूँ कि बीच में काफी हल्ला होने के बाद एक पटना के लिए ट्रेन यहाँ से जाती थी, वो भी एसी बोगी, वो भी एक दिन, और वो भी ऐसी टाइम में जाती थी जिस समय कोई पैसेंजर यहाँ पे नहीं, एकदम रात्रि में 2 बजे एसी और फुल एसी बोगी। अब यहाँ की गरीब जनता लोग एसी में कहाँ चढ़ेगा, उन लोग खाने का ठिकाना नहीं है, एसी बोगी में कहाँ टिकट बना के अपना जाएगा लोग, तो ये ठगी करने का काम किया गया। उसके बाद कुछ दिन होते हो तो वो भी ट्रेन को बंद कर दिया गया। तो इस तरह का रवैया हम लोगों के पास अपनाया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं, और अगर सरकार हम लोगों को व्यवस्था नहीं देती है रोजगार का, लंबी दूरी की ट्रेन ये सब नहीं करती है, तो हम लोग उग्र होके आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। रेल दो नहीं तो जेल दो। हम लोग रेल सेवा विस्तार समिति का बैठक हजारीबाग से बोल रहे हैं। जनता खुद अगर रेल माल नगरों से नहीं जोड़ा गया तो हमें सिर्फ ये बोला जाएगा मंत्रियों से, रेल दो नहीं तो जेल दो, या तो आप लोगों को रेल मिले नहीं तो जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि लोगों की अभी है। हम लोग बैठक अभी आबार हम लोग जोड़ेंगे, अगर आबार रेल नहीं दो, रेल दो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। रेल सेवा विस्तार समिति का हम लोग का मुख्य मांग 5 है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि हमारे लोग यहाँ पे हजारीबाग जो स्टेशन बना है यहाँ से लंबी दूरी का ट्रेन दिया जाए, यहाँ से लंबी दूरी का ट्रेन दिया जाए, महानगरों से जोड़ा जाए, और यहाँ की जो लाइन बनी हुई है रेलवे लाइन उसको डबल लाइन किया जाए, ताकि रेलवे लाइन बनी जाए ताकि उसमें से डबल लाइन होगी तभी एक्सप्रेस चला सकेगी। और फिर चौथा मांग है हम लोगों का है कि जो किसान था यहाँ का जमीन चला गया उसको रोजगार दे, नौकरी दे। पांचवी मांग हम लोगों का है कि रांची से पटना प्रतिदिन बोगी चलाई जाए, वो भी जनरल बोगी के साथ। हम लोगों के महत्वपूर्ण मांग है ये, सिर्फ रेलवे स्टेशन इतना भव्य बना दिया गया है कि यहाँ पर्यटन स्थल बन गया है, यहाँ पार्क के जैसा काम है, यहाँ क्रिकेट का स्थान बन गया, सब लोग घूमने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है। रेल
सिर्फ यहाँ पे कोयला ढोने का काम कर रही है, झारखंड का खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है। यहाँ से पूरा विदेश में भेजो, यहाँ से दूरी दूरी पे भेज दो। अभी हम लोगों का आश्वासन, हम लोगों ने रेल सेवा विस्तार समिति की बहुत सारी बैठक की, बहुत सारी मांगे की, हम लोगों ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, हर एक जगह पे आवेदन दिए है, हर चीज का कार्य करते हुए हम लोगों ने पहले धरना भी दे चुके हैं, और आज हम लोगों का रेल रोको चक्का जाम का हम लोग का आह्वान किए हुए थे। हम लोगों को रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा अंदर नहीं जाने दिएगा, उसके कारण हम लोग ने यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, ताकि हम लोगों को रेल चाहिए, वही महानगरों से यहाँ से वहाँ रगर जाए, दूरी जाए, कि यहाँ से सिर्फ कोयला लूटने का काम किया जा रहा है। बस नेता लोग को आश्वासन के लिए सुनते रहो, यहाँ पे आएगा तो कोई झंडा फहरा के चला गया, लेकिन रेल नहीं मांगेगा कोई, सभी को पैसा प्यारा है कोयला को लेकर के, कोयला चाहिए, बड़ी बड़ी दूरी जाएगी सबको चाहिए। हम लोगों ने सांसद महोदय से भी बहुत बार मुलाकात भी किए, तो सांसद महोदय भी अपने आश्वासन में बोलते थे कि अभी हम लोगों का काम चल रहा है टनल बड़कागाना से रांची के लिए, जो बन जाएगी तो रेल मिल जाएगी। अब वहां से भी बन गई है रेल, लेकिन सिंगल 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 रेल लाइन वहां भी बनाई गई है, तो उसमें भी कोयला ढोने का कार्य प्रगति से शुरू हो चुका है। लेकिन हम लोगों को कोई जनरल बोगी हो या भी कोई, ना रांची हो ना पटना हो, कहीं के लिए ट्रेन नहीं दिए गए। यही अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपकी पांच मांगों को हमने जाना, आगे आप पांच मांगों की रणनीति, पांच मांगों के साथ फर्स्ट मेरा मांग है कि सुनिए, पांच मांगों को जान चुके हैं लोग, दो तीन दफा सुन चुके हैं, उसके बाद बताइए कितने देर तक बैठेंगे ये बताइए। हम लोगों का एक दिवसीय धरना है, जो हम लोग 3:30 से 4 बजे तक बैठेंगे, और एक दिवसीय धरना के माध्यम से और रेल सेवा विस्तार समिति के बैनर तले हम लोग 2018 दिसंबर से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच में विधायक, सांसद और जो धर समाधान है, वहाँ धरना स्थल पर हम लोग धरना दिया, उसमें हमारी मांगी थी कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन को लंबी दूरी ट्रेन दिया जाए, और विस्थापित मुख्य मुद्दा है, विस्थापित किसानों को उचित मुआवजा एवं रोजगार नौकरी की व्यवस्था हो, क्योंकि उनकी जो हालात है वो यहाँ साफ हम लोगों ने देख चुका है। क्योंकि एक यहाँ जो यशवंत सिन्हा जो हमारे सांसद, उसको विदेश मंत्री या वित्त मंत्री दोनों पद पे रहे हैं, और वो रेल लाए थे, उसमें बोले थे कि 7 लाइन का निर्माण होगा, ये हजारीबाग रेलवे स्टेशन के सामने बड़े बड़े महानगरों को रेलवे स्टेशन फैल होगी। हमने देखा जब रेलवे स्टेशन का कार्य स्टार्ट हुआ तो लगा कि भव्य बना, लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली काम है कि यहाँ से सिर्फ कोयला ढुलाई का काम हो रहा है, और यहाँ का सांसद, विधायक सिर्फ अपना बेटे के नाम से, भतीजे के नाम से, जैसे बोला जाता है अंडानी का राज हो गया है देश में, वैसे बेटे के नाम से, भतीजे के नाम से कंपनी के द्वारा ठेकेदारी ले लिया गया है। और हम लोग जब कोयला का ट्रेन अपना मांग को लेकर के रखते हैं कि कोयला का ट्रेन हम लोग बाध्य करेंगे तो सरकार रेल देगी, लेकिन उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। और आज हम लोग इस धरना में इसलिए बैठे हैं, हम लोग का कार्यक्रम था कि चक्का जाम, लेकिन रेलवे पदाधिकारी और रेलवे प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आप चक्का जाम असंवैधानिक काम हो जाएगा, इसके तहत आप लोग कीजिएगा तो जेल जाइएगा, आप तो जाइएगा, लेकिन आपके साथ जितने भी लोग आएंगे सबके नाम से केस होगा। तो मैंने संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए द्वारा संविधान को मानकर हम लोगों ने कहा कि धरने में बैठ जाएंगे, और उस चक्का जाम को धरने में तब्दील कर दिया, लोगों को मान भी रखा, और इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि अब हजारीबाग की जनता जाग चुकी है, आपकी जो आश्वासन था वो लूट नहीं चलेगा, आपको ट्रेन देना होगा, महानगरों से जोड़ना होगा, अगर आप नहीं जोड़िएगा तो आपको गद्दी छोड़ना होगा, इसके लिए हम लोग को आगे आना होगा। अगर हम किसी पार्टी को विशेष वोट देते हैं, हम लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है, ये अब नहीं चलेगा कि आप पार्टी के नाम से बुड़बक बनाइएगा, अब हजारीबाग की जनता विकास के नाम से वोट देगी, और आप नहीं जागिएगा तो आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, और समय आने पर आप ये चाहते हैं कि छोटा मोटा कार्यक्रम गांव में होता है तो करके कि लोगों को क्रांतिकारियों की धरती है, और उनके द्वारा बोला जाता है, उधर ही काट बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, आप क्या कह रही थी? बोले बहुत ज्यादा तो ये लोग डराते हैं कि हम लोग धरना देंगे या चक्का जाम करेंगे तो ये असंवैधानिक हो जाएगा, हम लोगों के ऊपर केस होंगे। तो झारखंड तो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बिरसा मुंडा जेल गए थे, सिद्धू कानू चले गए, नीलांबर पीताम्बर चले गए, सबने जीते जी फांसी चढ़ गए, तो हम लोग क्या है, हम लोग को बहुत ज्यादा होगा तो जेल होगा, तो या तो रेल दीजिए भैया या तो जेल दीजिए। अब फिर आप लोग का जो 2024 में इलेक्शन में जो हाल होगा वो तो जेल से भी बदतर होगा, तो हम लोग बहुत ज्यादा एफआईआर और जेल से नहीं डरते हैं मैडम, हम लोगों का जो अपना डिमांड है वो हम लोग को खाने के लाले पड़ रहे हैं तो जेल से क्या डरना है। हाँ, जेल में तो कम से कम फ्री के मिलेंगे, क्या क्या परेशानी आती है बोलिए।
बोलिए बोलिए रोज आप लोगों की जिंदगी में क्या परेशानी आती है बताइए खुलकर। नहीं हम लोग के रोजगार चाहिए, नहीं हम लोग का रोजगार चाहिए। यहाँ इतना दिन से ट्रेन आ रहा है, आदमी आशा में सबको देख रहा है कि नहीं रोजगार मिलेगा, मगर कुछ रोजगार हम लोग के नहीं मिल रहा है। बाकी बात की हम लोग थोड़ा मोड़ा गिरल पर लाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी धार मार होता है हम लोग की, उसका बाद पुलिस लोग भी छीन लेता है और पकड़ के बंद कर देता है, मार देता है। हम लोग के कम से कम रोजी रोटी चाहिए। यहाँ कितने लोगों की जमीन थी जो चली गई और पूरा मुआवजा नहीं मिला? कितना एकड़ का? 16 कट्ठा जमीन हम लोग को मिला था। पूरा क्या जमीन गया? पूरा ही हम लोग का जमीन चला गया है, फिर भी रोजी रोटी चाहिए। हाँ रोजी रोटी हम लोग के चाहिए। बोला हम लोग के पूरे के जमीन गया, इनके पूरे जमीन गया यार। हम इनके दे उद्घाटन जे हिया भेल है, हम इनके अरे की हमर जमीन ने उद्घाटन भेल है, अरे हमर बेटा भतार के कुछ न अथी मिला है, अरे अथी कर रहा है। यहाँ के सारे ही लोगों की जानते हैं हम लोग को जो यहाँ है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग सीधा साधा है। बाकी एक कप चाप बेचते हैं, एक बार मकई बेचते हैं, उन लोग सब पुलिस लोग मार देता है, धकेल देता है, है? गाली गुप्ता गंदा गंदा देता है, तो हम लोग क्या करें यहाँ? बिना रोजगारी के हम लोग है नहीं, कोई काम करने जाते हैं। तुमरा यहाँ है पर रुपया लिए हैं, भागिए यहाँ सो, निकलिए यहाँ सो, मार पीट करता है। कितनी परेशानी और कितना रोष है लोगों में, जो आश्वासन लगातार लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब उग्र आंदोलन किया जाएगा और यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह से धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, बैनर और कि किस तरह से सभी अखबारों में लगभग 5 वर्षों से इनके जो आंदोलन हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है, उनकी खबरें कैसे छपी हैं प्रमुखता से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का क्या हाल है, यहाँ के लोग जिन्होंने अपनी जमीनें यहाँ पे दी हैं उनको कितना मुआवजा मिला है कितना नहीं, ये भी आप सभी ने जाना। और उसके बाद उनके उसी अपने पुराने जमीन पे जो अब उनकी नहीं रही, जिसका उनको मुआवजा पूरी तरह नहीं मिला है, जैसा यहाँ के लोगों को कहना है, रोजगार तक नहीं मिल रहा है अभी वर्तमान में उस पुरानी जमीन में। और क्या परेशानियां लोगों को हो रही हैं, एक बार ट्रेन जब पटना तक चली तो वो सिर्फ एसी वाली ट्रेन थी जो लोग यहाँ के अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने जानी। अब आप सभी दर्शकों से दरख्वास्त है, आप सभी पे डिपेंड है कि इन लोगों की मांग ये आपके अपने हजारीबाग की मांग है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ से करीब है बिल्कुल रेलगाड़ी के आसपास इस इलाके में रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीनें यहाँ पे दी हैं, या जो श्रमिक वर्ग के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीनें यहाँ पे दी और मुआवजा तक उन्हें हासिल नहीं हुआ, या फिर जिन्हें रोज़गार से दूर रखा जा रहा है, जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी दिनचर्या में खाने तक के लाले पड़ रहे हैं,
बात करते हुए हम लोगों से जिस तरह जिनकी आंखें गमगीन हो गई, उन सभी के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे धरने की नौबत ना आए, क्योंकि आगे इन्होंने कहा है कि आगे ये उग्र आंदोलन करेंगे बिना सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बगैर। ऐसे ही देखते रहे हजारीबाग अपडेट्स, तब तक के लिए इजाजत दें, शुक्रिया।